गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई अब नहा धो के रेडी हो लिए यार, दिल्ली के लिए निकलने के लिए तैयार है भाई। लगेज वगैरह अपना रेडी हो गया सारा है, देख लो भाई ने पूरी पैकिंग शैकिंग तैयार कर दी, बस फोन बचा हुआ चार्जिंग पे। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है यार, ब्रेकफास्ट में वही यहाँ साउथ इंडियन ही मिल रहा है ज्यादातर, तो अपना इडली सांभर डोसा यही काम चल रहा है। बाकी यार अपना इतना कर लिया है कि एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, एयरपोर्ट पे देखते कुछ मिला तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना घर पहुंच के आए मस्त, रात को खाएंगे रोटी सब्जी। यार वैसे एक चीज है, यहाँ का ना ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा है, यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर है एयरपोर्ट, और टैक्सी वाला 400 साढ़े 400 ये रेट मेरे को ऊपर पे आ रहा है, तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं यार। तो मैंने करा ली अपनी उबर, वो अभी आ रही है 10 से 15 मिनट में, और फिर हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और भाई आज पहुंचते हैं अपना घर पे, काफी दिन हो गए घर से बाहर यार, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया, तो आज सही बता रहा हूँ मन भी कर रहा है घर जाने का, तो फटाफट जाते हैं। और मैं सबसे ज्यादा अपनी बीस्ट को मिस कर रहा हूँ यार। अब नेक्स्ट जो ट्रिप बनाएंगे वो बनाएंगे अपना गाड़ी से भाई, रोड चलेंगे कहीं, मे बी हो सकता है कहीं पहाड़ों में, तो कमेंट में बताना जरूर कि पहाड़ों में कहाँ जा सकते हैं। और भाई मौसम एक बार चेकआउट कर लो यार, मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, कभी धूप आ जाती है हल्की सी, कभी छाया, और हवा बढ़िया चल रही है बाकी यहाँ पे ना। अब चलते हैं दोस्तों एयरपोर्ट के लिए और मिलते हैं आपको एयरपोर्ट पे। तो भाई सब हो रहा है वेट भाई फ्लाइट का, तकरीबन 2 घंटे डेढ़ 2 घंटे हैं अभी, तो अपना वेट कर रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। भाई फाइनली दिल्ली पहुंच गए यार, अभी मैं आऊँ सीधा अपनी गाड़ी लेने, ये खड़ी अपनी बीस्ट भाई, कपड़ा वपड़ा ढक के पार्किंग में खड़ी करके गया था भाई मैं, कवर ढक के चाचा के पास, और अभी लेने आया हूँ, पहले बीस्ट उठाएंगे गाड़ी एक बार। ये अपना भाई आया हुआ काना नीचे, और एक बार गाड़ी निकाल लेता हूँ मैं बाहर सामान वान रख के, और फिर घर चलेंगे। तो भाई देख लो बीस्ट के हाथ लगाए हैं बस अभी, और हाथ लगाते ही बारिश आ गई है, जस्ट चले हैं घर की तरफ, भाई चलते ही बारिश आ गई है, भगवान जी भी खूब खुश है अपने से। भाई इसका मुकाबला नहीं है यार, अल्टीमेट चीज है अल्टीमेट। तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है दिल्ली में आके, हालांकि काफी रश था एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में। तो भाई घर पहुंच गए और बारिश अभी भी खूब तेज हो रही है बाहर बाहर। अब चलता हूँ ऊपर थोड़ा सामान वान रख के, चेंज वेंज करके फिर एक बार मैं आपसे मिलूंगा। फाइनली घर आ चुका हूँ यार, और नहा धो के अपना हल्का फुल्का भी नाश्ता करा है। जो मेरा साउथ इंडिया का टूर रहा है पूरा ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा है, लोग जो मिले हैं काफी अच्छे थे, फ्रेंडली थे, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और भाई रोड पे चलने में जो एक चीज अच्छी लगी वो ये था, सब डिसिप्लिन तरीके से चल रहे थे, कोई ओवरटेकिंग वगैरह ज्यादा नहीं कर रहे थे, और विद इन लिमिट्स गाड़ियां चल रही थी। नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ में थोड़ा अच्छा लगा मुझे हाईवेज की ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो। मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इसका पूरा साउथ इंडिया ट्रिप का वो बहुत बढ़िया और सब। दोबारा कभी मौका लगेगा तो अब की बार मैं अपनी ब्लैक बीस्ट को लेके जाऊंगा यार। मेनली इस बार भी मेरा मन तो था पूरा पूरा, बट साथ में कोई जल नहीं पाया। मेन कारण जो था वो ये था कि साथ नहीं बन पाया किसी के साथ, और भाई अकेले के लिए थोड़ा सा एक्टिक था क्योंकि छुट्टियों का भी चक्कर रहता है यार, जॉब के साथ थोड़ा सा टाइम बाउंड हो जाते हैं, तो इसलिए मैं भाई एयर गया था। नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो जरूर अपनी ब्लैक बीस्ट को लेके जाएंगे। मैं जितनी जगह भी गया हूँ सारी अल्टीमेट थी, तो आप लोग जाए और घूम के आओ साउथ इंडिया, बहुत मजा आएगा आपको। थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम जरूर हुई थी, थोड़ा सा फूड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अगर आप वेजिटेरियन है तो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, बट ऑल दो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई यार, सब मैनेज हो जाता है, इंडिया में सब चीजें मिल जाती हैं। तो कुल मिला के ये है, आप जाओ मेरी तरफ से रिकमेंडेड है साउथ इंडिया, घूमो एक्सप्लोर करो, हमारे देश में क्या क्या आपको भी पता चलेगा यार, बहुत चीजें जो आपको घर बैठे नहीं मिल सकती। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी ये साउथ इंडिया सीरीज करता हूँ खत्म। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको मेरे सारे व्लॉग्स कैसे लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जल्दी मैं एक बहुत बढ़िया नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय एंड राम राम।